और अब बात गणपति बप्पा मोरिया की। देश के कोने कोने से गणपति बप्पा की विदाई के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। 10 दिनों तक चले गणेश महोत्सव के बाद आज गणपति बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के मौके पर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्यामा मिश्रा इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मुंबई से मौजूद हैं। श्यामा, सबसे पहले तो यही कि मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र की बात की जाए वहाँ सबसे ज़्यादा इसको लेकर चर्चाएं होती हैं। आप जहाँ मौजूद हैं, आपके पीछे मैं योगेश को भी देख पा रहा हूँ, क्या कुछ आप वहाँ से बताना चाहेंगे? जी देखिए असीम, ये एक मीडिया स्टैंड है जहाँ पर मीडिया को एक तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए रखा गया है कि यहाँ जो गणपति नीचे से जाते हैं वो उनको विजुअल्स मिल सके। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो नीचे का एरिया है वहाँ से ही जो रास्ता है वहाँ से छोटे छोटे गणपति या बड़े गणपति हैं वो यहाँ से दिखते हैं जाते हुए, और यहाँ से सीधे अगर जाते हैं तो वो रास्ता जाता है गिरगांव चौपाटी के लिए। बहुत बड़े पैमाने पे विसर्जन होता है जो 10वां दिन होता है, क्योंकि 10 दिन तक चलने वाला ये गणेश उत्सव जो है काफ़ी बड़ा पर्व माना जाता है महाराष्ट्र के लिए। और आज वो सारी जो सेलिब्रेशंस हैं वो एक तरीके से संपन्न हुई हैं, और इमर्शन होने के लिए, विसर्जन करने के लिए लोग यहाँ से गिरगांव चौपाटी, शिवाजी पार्क, जादर चौपाटी, जुहू चौपाटी, ये सभी जगह पर लेके जा रहे हैं बप्पा को। और जो बंदोबस्त भी है वो काफ़ी पुख्ता की गई है। पुलिस के हिसाब से अगर बात करें तो हर जगह पे जहाँ पर भी विसर्जन हो रहा है वहाँ पर कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसीलिए जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे की गई है। 3200 ऑफिसर्स की बात कर लीजिए या 15,000 से ज़्यादा कॉन्स्टेबल्स, रैपिड एक्शन फोर्स की बात कर लीजिए, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, ट्रेनीज, होमगार्ड्स, सभी लगे हुए हैं इन सभी विसर्जन वाले स्पॉट्स के ऊपर। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि BMC की ओर से, महानगर पालिका की ओर से कृत्रिम तालाब भी बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी बनाए जा रहे हैं। तो इन टोटल ये 162 जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं, आर्टिफिशियल जो विसर्जन करने की जो जगहें हैं वो बनाई गई है ताकि लोगों को सहूलियत हो सके, और साथ ही जो बड़े जो समुद्र हैं या पॉन्ड्स हैं वहाँ पर प्रदूषण कम हो। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कॉटन सा राजा है। ऐसे ही कई सारे जो गणपति जाते हैं बड़े बड़े वो कहीं ना कहीं के राजा होते हैं, और जो लोग हैं देखिए आप काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से इन्हें खींचते हुए लेते हुए जा रहे हैं। और ऐसे ही पूरा जो गिरगांव चौपाटी है वो इलाके में वो चौपाटी पर लेके जाएंगे, और वहाँ पर फिर एक फाइनल आरती करते हैं, बप्पा को अलविदा करते हैं, और वहाँ पर पूजा होती है। पूजा के बाद में उन्हें विसर्जित किया जाता है और यादें रह जाती हैं लोगों के पास में। साथ ही यहाँ पे कई सारे देशों से लोग भी आते हैं देखने के लिए कि विसर्जन कैसे किया जाता है। मुंबई की बात कर लीजिए या पूरे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, देश की बात कर लीजिए, किस तरीके से ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं वो देखने के लिए भी कई सारे जगहों से, कई सारे देशों से लोग आते हैं यहाँ पर, और बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम भी होता है। तो ऐसे ही बड़े बप्पा छोटे बप्पा आज जाते हुए दिखेंगे गिरगांव चौपाटी के पास। हम यहाँ पर खड़े हैं फिलहाल, और जो सबसे एक तरीके से पॉपुलर हम कह सकते हैं लालबा का राजा, वो भी निकल चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पहुँचते पहुँचते 2रा दिन हो जाता है। कल सुबह सुबह उनका विसर्जन यहाँ पर किया जाएगा गिरगांव चौपाटी के पास में, और ऐसे ही लगातार बड़े गणपति छोटे गणपति हमें दिखते ही रहेंगे यहाँ पर आज पूरे दिन में। और इसी की वजह से, क्योंकि ये रास्ता जो है फिलहाल हम देख सकते हैं कि कम्यूटिंग भी यहाँ से हो रही है, नॉर्मल व्हीकुलर ट्रैफिक भी यहाँ से जा रही है, तो रूट्स भी काफ़ी सारे डाइवर्ट किए गए हैं
74 जो रास्ते हैं उसे बंद किए गए हैं, पार्किंग पूरी तरीके से जीरो पार्किंग कर दी गई है, काफ़ी सारे जगहों पर जो भी चौपाटी या जो विसर्जन का इलाका है वहाँ पर जीरो पार्किंग कर दी गई है। बार बार जो टोइंग वैन्स हैं वो घूम रहे हैं कि कहीं पार्किंग जो की करके चले गए हों लोग तो उसे हटा दिया जाए। ऐसे ही सारे प्रबंध किए गए हैं लोगों के लिए ताकि जो डिवोटीज आ रहे हैं उन्हें भी सहूलियत हो और जो रोज़मर्रा के काम में जा रहे हैं, जो कम्यूटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल कम्यूटिंग कर रहे हैं उन्हें भी सहूलियत हो। तो इसी तरीके से आज का जो पूरा दिन है वो रहेगा, विसर्जन का जो दिन है अनंत चतुर्दशी का वो दिन रहेगा आज में मुंबई में और पूरे महाराष्ट्र में। असीम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा। लेकिन हालांकि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो गणेश पूजा वो हालांकि पूरे देश में मनाई जाती है लेकिन महाराष्ट्र की बात ही कुछ और। आपने देखा किस तरह से लालबाग के राजा और तमाम जो अलग अलग जगह हैं वहाँ के अलग अलग राजा होते हैं वो उनका प्रोसेशन निकलता है, उनकी पूजा होती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल पूरे 10 दिनों तक महाराष्ट्र में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुँचाने के लिए।